आज हम लोग मैप्स एंड ग्लोब्स का पार्ट सेकंड कर रहे हैं, आज इसको खत्म करेंगे। ध्यान से ध्यान दीजिए, आप लोग सब सीख जाएंगे। तो इस चैप्टर में क्या करना है हम लोग को देखते हैं। प्रशांत सुनते रहो चुपचाप। कल मैंने आप लोग को मैप्स के बारे में सारी चीजें बता दी थी। मैप्स दो तरीके की होती हैं, पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप। फिजिकल मैप वो होता है जिसपे हम लोग माउंटेन, रिवर, लेक, ओशियन, इन सब जो चीजों को दिखाते हैं, जो फिजिकल चीजें होती हैं, नेचुरल चीजें। और पॉलिटिकल मैप वो होता है जिसपे हम किसी भी सिटी, टाउन, कंट्री, कैपिटल, इन सब चीजों को दिखाते हैं। ठीक है, कुछ मैप्स ऐसे भी होते हैं जिसपे हम लोग, जैसे मान लो पूरे इंडिया में सॉयल, कौन कौन सी सॉयल कहाँ पाई जाती थी, कि इंडिया का मैप बनाया, उस पर दिखा दिया किस जगह पे कौन कौन से जंगल पाए जाते हैं, कैसे कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उसको शो करने के लिए अलग मैप बना देते हैं। तो इस तरह से भी मैप होती है। ठीक है, मैप का सबसे बड़ा फायदा क्या है वो हम बताते हैं आपको। मैप का सबसे बड़ा फायदा या प्रॉफिट ये होता है कि ये पोर्टेबल होता है, मतलब कि आप इसको फोल्ड करके या पैकेट में लेकर के कहीं भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और यूज कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, इसको इसमें जो भी लोकेशन दी जाती है, जिन जगहों के बारे में बताया जाता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल पक्का पक्का नहीं होता, जिससे कि हम लोग सही सही अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्लोब की, जो कि सेकेंड पार्ट है, और ग्लोब से ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। ग्लोब द मिनी अर्थ। ग्लोब क्या होता है, छोटा अर्थ। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। जैसे मान लो कोई इंसान है तो उसका मॉडल क्या होता है, उसका पुतला बना देते हैं। ठीक है, अगर पुतला बना देंगे, अब खुद सोचो, मैं ग्लोब और मैप में आपको डिफरेंस बता देता हूं। अगर आस्था दीदी का हम लोगों ने एक पिक्चर बड़ा सा बनवाया और दीवार पे लगा दिया, तो पिक्चर से ये पता चल जाएगा कि इसकी शक्ल कैसी है, कैसी दिखती है, लेकिन ये तो नहीं पता चलेगा ना कि ये कितनी हेल्दी है, क्या है, अच्छे तरह से पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमने सेम जैसी है ना, वैसी का वैसा हम लोगों ने इसका क्या कहते हैं, एक स्टैचू बनवा दिया, पुतला बनवा दिया, तो पता चल जाएगा ना बिल्कुल कि किस तरह से, एकदम बिल्कुल। आपको पता है वैक्स म्यूजियम है लंदन में, आप बिल्कुल जैसे हो ना, बिल्कुल हूबहू डिट्टो, एकदम जीरोक्स की तरह है, वो स्टैचू बना देते हैं मोम का, वैक्स का, समझ रहे हैं ना, वैक्स म्यूजियम है वहां पे। हाँ जी, नहीं मोम, मोम का, मोमबत्ती जिससे बनती है उस मोम का, वैक्स का। ठीक है, तो यही अंतर मैप और इसमें भी है। मैप मतलब कि अर्थ का एक पिक्चर है जिसमें कहाँ कर्व है, कहाँ अप है, कहाँ डाउन है, ये सब चीजें हमें नहीं दिखती, लेकिन ग्लोब में सारी चीजें हमें समझ में आती। अब देखो, द अर्थ इज ए स्फीयर विच इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम। अर्थ जो है वो एक गोले के जैसा है। ठीक है, वो ऐसे गोले के जैसा है, लेकिन इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो फ्लैट है, और निचला हिस्सा भी फ्लैट है। मतलब ये गोला हो गया ना पूरा का पूरा, ऑरेंज देखा है ना, तो ऑरेंज ऊपर होता है ना इस तरह होता है, ये एप्पल, और नीचे भी इस तरह से होता है, ऑरेंज तो ऐसा ही होता है। तो उस जस्ट लाइक अ ऑरेंज, हमारा अर्थ भी उसी के जैसा है। ठीक है, द अर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द वर्ल्ड मैप ऑन द फ्लैट सर्फेस, द लार्ज एंड कॉन्टिन्यूअस लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। हम इसको फ्लैट सरफेस मतलब मैप पर दिखा सकते हैं ना पूरे अर्थ को, बता, मैंने मैप बनाया है ना, आप लोगों को दिखाया है ना पहले। तो ये पूरा का पूरा जो है ये अर्थ का मैप है, इस पे पूरी की पूरी अर्थ आपको दिखा, आपको इस बुक है, दिख रहे हैं ना, बैठे रहो, दिख रही है आप लोग को पूरी मैप, इसमें पूरा दुनिया का पूरा नक्शा, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की इधर, यहाँ पर अफ्रीका होगा, यहाँ ऊपर एशिया, यूरोप, एशिया, और नीचे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब चलो मैं आपको और भी बताऊं। तो
मैप के ऊपर जो बड़े बड़े लैंड के हिस्से होते हैं, बड़े बड़े लैंड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट, और हिंदी में महाद्वीप, ठीक है ना? महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहते हैं। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू सेवन कॉन्टिनेंट, हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो सेवन कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है? जो उसका नाम मैंने मैप में बताया ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है? मोस्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय ह्यूज वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशियन। अब इसके बीच में बेटा जो भी ये लैंड है, आपको ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ब्लू कलर का, ये सारे ब्लू कलर के दिख रहे हैं, तो ये जितने ब्लू कलर के हैं ये सारे के सारे ओशन है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इधर दिख रहे हैं ना आपको, इसके राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में वेस्ट में ये है पैसिफिक ओशन, और धरती के इस साइड में भी पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है ना, और ये अफ्रीका, तो इसके बीच में जो ओशियन दिख रहा है वो क्या है? वो है अटलांटिक ओशियन, ठीक है? इंडिया जो दिख रही है ना, इंडिया यहाँ पर, हाँ, इंडिया के जो नीचे है, इंडिया के नीचे क्या है? हमारा इंडियन ओशियन, ये वाला दिख रहा है आप लोग को, ये हमारा इंडियन ओशियन है, ये है अटलांटिक ओशियन, ठीक है? ये वाला जो इलाका है ये है पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर भी पैसिफिक ओशियन है क्योंकि धरती गोल है ना। ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला, ये है हमारा आर्कटिक ओशियन, और यहाँ जो सबसे नीचे वाला इलाका है, ये वाला सबसे नीचे वाला, ये है अंटार्कटिक ओशियन। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, बीच वाला अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। देखो, क्योंकि बड़े साइज में है ना, कंट्री छोटा होता है और कॉन्टिनेंट बड़े होते हैं, तो इन कॉन्टिनेंट्स पे बहुत सारी कंट्री है, इसलिए इसको कॉन्टिनेंट कहा गया, ठीक है? एक्चुअली ये आइलैंड के ऊपर डिपेंड है, आइलैंड बहुत छोटे होते हैं ना, और जो बहुत बड़े आइलैंड होते हैं, द्वीप मतलब कि छोटे आइलैंड छोटे होते हैं, और महाद्वीप मतलब बहुत बड़े बड़े आइलैंड, ये सब भी तो ओशियन के अंदर ही तो हैं, ओशियन में उठे हुए जो लैंड के, यही तो दिख रहे हैं ये सारे, चारों तरफ से ओशियन से घिरे हुए हैं, बिल्कुल, इसीलिए इसको कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहा गया। देखो अब फाइव ओशियंस कौन कौन से हैं, देखो इस वाले पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारे बच्चे आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओगे तो पहले तीन तीन करके आओ। देखो नेम पढ़ लो, कॉन्टिनेंट्स में नेम लिखे हुए ना सबके, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और ओशियन के नेम दिए हुए हैं ना, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन दे रखा है ना। जाइए आ जाओ बेटा, कार्तिक देख लो, आप नील, हिमांशु, सारे कॉन्टिनेंट और ओशियन के नेम आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, दिख रहे हैं ना सारे के सारे, ठीक है, आपके पास तो बुक है बेटा। चल अब हम बात करते हैं ग्लोब भैया की। अ ग्लोब इज अ स्फेरिकल स्केल्ड मॉडल ऑफ द अर्थ दैट डिपिक्ट्स द शेप एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ओशियन एंड कंट्रीज ऑन द अर्थ। अ ग्लोब कैन ऑल्सो बी रोटेटेड इन द मैनर द अर्थ डज। ग्लोब को क्या करते हैं ना, झुका करके लगाते हैं, देख रहे हो ना, ये थोड़ा झुक करके लगाया गया है, अपनी कील पे झुका करके लगाया गया है। अर्थ भी इसी तरह टिल्टेड है, झुकना मतलब टिल्ट होना, अर्थ भी झुकी हुई है, और इस ग्लोब पे जहां पर जो भी कॉन्टिनेंट ओशियन या जो भी चीजें हैं जिस जगह पे है उसी पोजिशन पे इसको भी लगाया गया है, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया जाता है ग्लोब पे, तो हमको बिल्कुल रियल इमेज लगभग लगभग मिल जाती है ग्लोब से, मैप से तो ज्यादा अच्छा ही समझ में आता है कि नहीं? द आइदर ऑफ द टू पॉइंट ऑफ द अपोजिट एंड ऑन द अर्थ ऑन विच अर्थ टर्न्स इज कॉल्ड अपोल। इसमें सबसे ऊपर और सबसे नीचे का जो पॉइंट है ना,
तो सबसे ऊपर वाले को नॉर्थ पोल और सबसे नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जैसे बेटा ये जो धरती का पूरा ऊपर का हिस्सा है ये नॉर्थ पोल। एक बार मेरे को इंक चेंज करना करो, तो ब्लू पे ब्लू ही क्यों दिख रहे हैं, पिंक करते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये है नॉर्थ पोल, और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा जो इंड पॉइंट है वो है साउथ पोल। आपको ना ये वीडियो में अच्छे से देखने को मिल जाए, ठीक है। द पॉइंट ये तो मैंने बता दिया, द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट फार्देस्ट नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। म्यूट करके रखो प्रशांत अपने आपको। और जो साउथ में होगा उसको कहेंगे हम लोग साउथ, ठीक है। समझ में आ रहा बेटा। We see a number of lines on the globe. These imaginary lines that run horizontally are known as latitude. Okay? Whereas whose that run vertically are known as longitude. ठीक है? अब देखो बेटा मैं longitude और latitude आपको बता देता हूँ। पहले इस पे बता दूँ वीडियो में, फिर आपको भी दिखा देंगे। जैसे ये जो अर्थ है ना, तो अर्थ में जो आपको दाएं से बाएं, मतलब कि जो इससे वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जो लाइंस जाती हैं उसको कहते हैं लैटिट्यूड, जो ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे आती है, जैसे कि देखो यह है ना नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली जितनी भी लाइंस ये जो आती है इनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करके आप लोग को अभी इस पर दिखा दूंगा। अब देखिए अब द इमेजिनरी, देखिए हमको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन समझ में आ गई। अब वो लाइन जो वेस्ट से ईस्ट की ओर, मतलब धरती के बीचों बीच हो, ठीक है, ये वाली बीचो बीच वाली, ये वाली लाइन, इसको क्या कहते हैं, जीरो डिग्री पैरेलल लाइन। ये वाली लाइन जो होगी जीरो डिग्री पैरेलल लाइन या जीरो डिग्री लैटिट्यूड, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इसको इक्वेटर कहते हैं, जो धरती को बीचो बीच ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बांटती है जो लाइन उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है, या विषुवत रेखा। और साथ ही साथ इक्वेटर को और हम क्या कह सकते हैं, इक्वेटर जो होता है इसको हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है। समझ में आ रहा है। द पार्ट्स दैट लाइज ऑन द नॉर्थ ऑन द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, व्हाइल द पार्ट दैट लाइज इन द साउथ इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब धरती को बीचों बीच हमने बांट दिया ना, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है आधा जो गोला होगा इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और नीचे वाले आधे हिस्से को साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए सर, नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे, मैंने सुना नहीं। साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, लिखा हुआ है ना आपका, यह है साउदर्न हेमिस्फीयर जो नीचे वाला होता है, यह है आपका बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि ऊपर वाला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ आगे और दिखाया गया होगा अच्छी तरह से। तो मैं अब व्हाइट बोर्ड पे इसको एक बार और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक मुंह बंद, ये अगर हम अभी आपको लैपटॉप पे दिखाऊंगा, ठीक है, ये एक सेकंड रुको। जिससे मान लो अर्थ है, तो अर्थ को अगर जो लाइन बीचों बीच काटती है इस तरह से, इसको कहते हैं जीरो डिग्री, है ना, या इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेटर भी कर सकते हैं, EQUATR, इक्वेटर होता है। अब ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एनएच, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, देखो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, पहले ऐसा तुम देखो, ये इक्वेटर है ना जो 0 डिग्री बीचों बीच लाइन काटती है। अब इसके ऊपर का जो इलाका है ये वाला हमारा, ठीक है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, देखिए हेमिस्फीयर मतलब कि गोले का आधा हिस्सा। देखो ये अर्थ का मैंने बनाया है ना, एक डायग्राम बनाया अर्थ का, तो ऊपर वाला ये तो अर्थ के बीचों बीच ये एक लाइन काट रही है, दिख रही है आपको ना, अर्थ को बीचों बीच काटने वाली। तो ये जो लाइन जो बीचों बीच है इसको कहते हैं इक्वेटर, ठीक है, और इसके ऊपर वाली जो लाइन है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा आधा जो गोला है, ये पूरा ऊपर वाला आधा हिस्सा, ये इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे वाला ये जो पूरा इलाका है ये पूरा भरा हुआ ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आ गया? ठीक है, इसके साथ ही आस्था दीदी का ये चैप्टर खत्म हो गया। तो मैंने 2 दिनों में आप लोगों का 4th और 5th का दोनों चैप्टर खत्म करा दिया। एक सेकंड।